मतलब ऐसा होता होगा कि लोग आप निकल गए रास्ते पे बिना मूंछ के तो पहचानेंगे नहीं, बोलेंगे अरे क्या कर लिया, क्यों कर लिया ऐसा। हाँ नहीं हाँ, मतलब लोग बोलते हैं कि अरे आप मूंछ में ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे मैं बोला 24 घंटे में जेठालाल बोल के थोड़ी घूम सकता हूँ। सही बात है। और एक पान वाले थे, नुस्खे वाले बाबा, मतलब उनके पास हर मर्ज की दवा है। हाँ प्रकाश दुग्ध मंदिर है भाई है। अरे अभी तक है, अरे तो बड़ी हो गई एकदम। हाँ। एक में म्यूजिकल जैसे पृथ्वी और एनसीपीए में शो होता है, वो एक प्ले था खेलैया करके, जिसमें परेश भाई भी थे लीड में, परेश रावल जी। अरे वाह। दिन ताक ताक तड़क ताक ताक दिन, ऐसा कुछ गाते गाते ऐसे एंट्री थी आपके। हाँ। और परेश भाई स्टेज पे थे। हाँ। तो उसमें जैसे ही मैंने वो पूरा राउंड लिया परेश भाई के आसपास, और मैं दिन ताक ऐसा किया और धोती छोड़ गई। अभी आपका कार प्रोटेक्टेड है। गुड मॉर्निंग दिलीप भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पावर्ड बाय कैस्ट्रोल मैग्नेटिक। कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। तो अपन पार्ला से निकले जी, तो यहाँ आपकी काफी जिंदगी गुजरी है, क्यों? जी बिल्कुल यहाँ एक्चुअली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन टाउन, भुलेश्वर करके एरिया है। चले क्या वहीं पे? हाँ चलो। अरे हाँ? बहुत सा है यार, मतलब इतनी सारी मेमोरीज है बचपन की, मेरी स्कूलिंग वहाँ पर है और बचपन की बहुत सारी यादें वहाँ। चलो डन, तो फिर अपन वहीं चलते हैं, तो बहुत मजा आएगा वहाँ पे। तो फिर पार्ला, तो आप पार्ला फिर शिफ्ट हुआ ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूँ जब मैं 20 या 21 साल का हुआ जी, तब यहाँ शिफ्ट हुए हम लोग। क्या बात है। बट तब तक पूरा मतलब बचपन से लेके पहले 18-20 साल सब टाउन में गुजरे हैं, तो मेरे सारा फ्रेंड सर्कल जो है वो भी आज तक टाउन का ही है। अरे वाह। हम लोग जब भी कहीं मतलब आउटिंग में अगर जाना है, कहीं डिनर पे जाना है, तो मेरा दिमाग पहले टाउन का ही चलता है। यहाँ से पहले वर्ली पास करने के बाद ऐसा दिमाग चलता है कि अच्छा अभी यहाँ जाए वहाँ जाए। तो बचपन की इतनी सारी यादें हैं। ये बताओ फिर, पोरबंदर में आपका नेटिव है जी, तो वहाँ की क्या कहानियाँ हैं आपकी? पोरबंदर में बस पिताजी जो थे वो बहुत ही मतलब 14-15 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। और फिर मेरा तो जन्म यहीं हुआ, मुंबई में हुआ। ओके। तो पोरबंदर में, लेकिन आज भी हमारे काफी रिश्तेदार है जी, तो गांव है अपना, गांव में घर है। हाँ। खेत है, तो हर साल मतलब हमारी जो कुलदेवी है जी, रंगबाई माता जी, तो उनका फंक्शन होता है फरवरी में। ओके। तो हर साल वो मतलब अगर कहीं जाना जाना नहीं हुआ तो वो एक बार तो मैं हमेशा जाता ही हूँ, कोशिश करता हूँ कि साल में एक दो बार तो गांव जाए जी, और जितने भी बड़े बुजुर्ग है तो उनसे मिलने का भी मतलब मौका मिल जाता है, उनके आशीर्वाद पाने का मौका मिल जाता है। सही बोले आप। कोई घर पे अपने था क्या जो थिएटर का शौकीन था या आर्ट्स का शौकीन था कि आप थिएटर में घुस गए इतना यंग एज में? नहीं पता नहीं, मुझे लगता है पिताजी को प्लेज वगैरह देखने का बहुत शौक था, जैसे टाउन में जो भांगवाड़ी करके, अब तो वो टूट चुका है, अदरवाइज वो गुजराती मतलब जो ओल्ड रंगभूमि बोलते हैं। हाँ, जूनी। हाँ। रंगभूमि, तो वो मतलब वहाँ पे जैसे अभी ये ब्रॉडवे पे कैसे प्ले होते थे वैसे प्ले वहाँ हुआ करते थे, मतलब उनका स्टेज पे, हाँ मतलब स्टेज पे घोड़ा आना, गाड़ी आनी, वाओ मैकेनिज्म भी, लेकिन आज वो पूरा टूट गया, किसी ने उसको संभाल के रखा नहीं जी। और वहाँ पे सब एक्ट्रेस थे, मतलब मंथली बेसिस पे थे, वहीं रहते थे, वहीं खाना पकाते थे, तो पूरी मंडली जैसे हुआ करती थी। हाँ। तो मुझे लगता है शायद उसी की वजह से। हाँ। और मेरा नाम भी शायद दिलीप कुमार साहब के, वो बहुत बड़े फैन रहे। तो मेरा नाम भी उस वजह से शायद उन्होंने रखा। तो ये बताओ, आप एक बार कभी स्टैचू बने थे, 7-8 मिनट तक खड़े रहते ऐसे बोलते हैं? ये एक हमने चिल्ड्रंस प्ले किया था। हाँ। ये रणछोड़ रंगीला। हाँ जी। तो उसमें मैं रणछोड़ भगवान का रोल कर रहा था, तो पूरा ब्लू मेकअप और वगैरह। तो शुरू में ऐसा था कि एक करीब 7 या 8 मिनट तक मुझे ऐसे ही स्टेज पे, ऐसे जो मंदिर बना हुआ था उसमें खड़ा रहना था बिना आंख, मतलब वो पलक झपकाए। अरे राम। तो उसमें ये हुआ कि मेरा एक दोस्त जो वो पुजारी का रोल कर रहा था। हाँ। तो एक दिन गलती से उसने वो जो अगरबत्ती होती है। हाँ हाँ। वो मेरे पैर के पास, वो आरती वारती का सीन था, करके मेरे पैर के पास रख दी। करेक्ट। और
और धुआं जो है वो मेरी आंख में जाने लगा। अब आंख तो आप पलक तो झपका नहीं सकते, लेकिन आंख से वो आंसू आने लगे। तो मैं पहली रो में तेजपाल में जो था, मुझे याद है अपना गोवाला टैंक पे तेजपाल ऑडिटोरियम में, तो पहली रो पे एक बच्चा बैठा था अपनी मम्मी के साथ, तो वो देखा, उसने बोला मम्मी मम्मी भगवान रो रहे। मैंने बोला यार जल्दी से, वो सीन है जहाँ पे मुझे बोलना है डायलॉग, आने दो तो जल्दी से आ जाए। तो थिएटर में ऐसे कई बार ऐसे वाकई बहुत हो जाते हैं। मतलब तो एक प्ले मैंने डायरेक्ट किया था, वो बापू तुम्हें कमाल करी कर, बहुत ही फनी और बहुत ही मजेदार प्ले था और बहुत ही मजे किए उस प्ले में। तो जैसे मैंने एंटर किया, मतलब मैंने, मेरा ये था कि चूड़ीदार कुर्ता पहना है, तो जैसे मैंने एंटर किया, पता नहीं चूड़ीदार की जो नाड़ी थी वो खुल गई, टूट गई क्योंकि जल्दी जल्दी में अगले वाले सीन से जल्दी जल्दी में वो फटाफट चेंज करके आया, तो पता नहीं क्या हुआ। और अब पूरा मतलब जो सीन था वो मैं ऐसे हाथ, मतलब ऐसे वो चूड़ीदार को पकड़ के मैं, और जैसे मैंने एंटर किया तो अपना सुमित राघवन जी बहुत ही फनी वो भी, और बात बात में बोले अरे ये भाई ये हाथ ऐसा क्यों, ये क्या है तू, क्या वो राजेश खन्ना जी की फिल्म थी ना अवतार की, क्या उसमें वो ऐसे हाथ रखते थे, तो बोले तू राजेश खन्ना जी क्यों बना हुआ। अरे मैं बोला भाई तू रुक, इज्जत मत निकल, जैसे चुपके से उसको बोला कि भाई मेरा नाड़ा टूट गया। ये तो कड़क है, ऐसी ऐसी चीजें तो थिएटर में ही होती हैं। अरे अरे एक मैं प्ले कर रहा था कमर्शियल चित्कार करके, सुजाता मेहता जी और उनके साथ, उसका शो था मेरा भाईदास में, ठीक है। और एक मैं म्यूजिकल जैसे पृथ्वी और एनसीपीए में शो होता है, वो एक प्ले था खेलैया करके, जिसमें परेश भाई भी थे लीड में, परेश रावल जी। अरे वाह। तो उसका शो था अपना एनसीपीए में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उन दिनों ये दोनों शो एक आग, मतलब ये दोपहर का शो था भाईदास और वो एनसीपीए, तो 6:30 बजे मतलब शार्प शो, ये दो अलग कहानियां, दो अलग अलग प्ले थे। तो ये शुरू हो जाता है, तो अभी दोनों मुझे यहाँ से पार्ला भाईदास से मुझे पहुंचना था निर्माण पर एनसीपीए। तो उन दिनों मेरे पास व्हीकल था ना भैया का, मैंने स्कूटर लिया था, मतलब मैं ट्रेन वेन में जाऊंगा, कहां रिक्शा मिलेगा, स्टेशन जाऊंगा, ऐसा इससे अच्छा मैं भाईदास से स्कूटर पे फटाफट निकल जाऊंगा एनसीपीए। तो वहाँ 6:30 बजे शुरू होता है, और वहाँ मेरा मेरी एंट्री थी कुछ 7:15 बजे एंट्री आती थी वहाँ प्ले। तो मतलब तो मैं यहाँ से 6:00 बजे निकला, 6:05, 6:10 को निकला, और मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ और वर्ली पे अपना नाका, नहीं अपना पासपोर्ट ऑफिस जहाँ पुरानी, जी समझ गया मैं, आरपीओ। हाँ, तो वहाँ सिग्नल वैसे जस्ट येलो हुआ था और मैं निकला और हवालदार ने मुझे आके ऐसा रोका, और वहाँ बज गए थे 6:35 या 6:40 कट टू कट। तो इससे पहले कि हवालदार साहब कुछ बोलते, मैंने बोला साहेब मला जाऊ द्या, माझा नाटकाचा प्रयोग आहे, 11:00 तिकडे माझी वाट बघताय, तुम्हाला जे फाईन घ्यायचा तुम्ही घ्या, पण मला सोडा। तो एक ही सांस में बोल गया एकदम, तो वो भी एकदम बौखला गया ये वो। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, दूसरे हवालदार को बोल लो पीछे बिठाओ, आगे ले जाओ, आगे जाके दे देना। तो आप और हवालदार, हाँ, तो मैं बोला ठीक है, और मैं इतना टेंशन में था, वो बैठ गया हवालदार, मैंने भगा और मैं भूल गया पीछे वो बैठा। और मैं चलाने लगा, वर्ली नाका आ गया, तो पीछे से बोलते वो भाई साहब, बोले कूटे गए माझा बुलेट तिकडे पडलेला आहे, मला मला माहिती नाही साहेब, तुम्ही उतरा, माझ्या नाटकाचा प्रयोग आहे। तो बिचारा क्वेश्चन मार्क के साथ उतर गया, और मैं भागा, दिन ताक ताक तड़क ताक ताक दिन, ऐसा कुछ गाते गाते ऐसे एंट्री थी आपके, और परेश भाई स्टेज पे थे। तो उसमें जैसे ही मैंने वो पूरा राउंड लिया परेश भाई के आसपास, और मैं दिन ताक ऐसा किया, और धोती छोड़ गई। ये धोती का आपका कुछ अरे हाँ कसम से। तो ये बताओ, हम लोग प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट करते हैं, तो रोड ट्रिप्स पे जाना होता है? अब रोड ट्रिप पहले हम लोग काफी गए जब बच्चे छोटे थे, मैं भी थोड़ा फ्री था, तो कभी कभार नासिक शिरडी चले गए, या एक बार हम लोग गोवा गए थे। अच्छा, तो बड़ा मजा आता है तभी, मतलब आई लव रोड ट्रिप्स। या रोड ट्रिप का फेवरेट ट्रैवल पार्टनर आपका कौन होगा फिर?
माय फैमिली ऑफ कोर्स फैमिली और डीजे कौन होता है आपकी गाड़ी में तब डीजे में मेरा बेटा ऑफ कोर्स ऋतिक इज अ फैंटास्टिक डीजे हालांकि इनिशियल मेरे हैं डीजे तो आपके फरमाइश बजती है फिर उसकी फरमाइश बजती है नहीं नहीं वो फरमाइश देने की जरूरत ही नहीं है उसको पता है किसकी क्या पसंद है हाँ। वो हिसाब से पूरा सब प्लेलिस्ट रेडी है क्या बात है बट कौन गाड़ी चला रहा होता है और कौन क्या किसका क्या डिपार्टमेंट गाने पहले वाले तो का? जब बच्चे छोटे थे तो मैं ही चलाता था गाड़ी ऑफ कोर्स और अब तो बच्चे बड़े हो गए चलाते हैं तो ऑफ कोर्स नियति चलाती है कभी कभी ऋत्विक और ये बताओ कि कहां कहां पर आपको रोड ट्रिप सबसे ज्यादा यादगार याद है इंडिया भी एंड बाहर भी रोड ट्रिप मैं कहूंगा यहां एक बार गोवा गए थे वो भी बारिशों में तो वो एक बहुत ही मजेदार वो है और वैसे दोस्तों के साथ जैसे हाँ। मैंने कहा ये वीरेन और पराग और हम लोग तो उनकी लोनावला में होटल है वीरेन, अच्छा। वीरेन की तो वे काफी हम लोग पहले ऐसे ही जैसे नरीमान पॉइंट पे बैठे हैं हाँ। सैटरडे इवनिंग है हाँ। संडे तो ऑफिस बंद रहती है हाँ। और बैठे बैठे ऐसे गाने सुन रहे फिर अचानक से याद है मतलब ऐसा मन होता है चलो लोनावला जाएगा हाँ। चलो यार निकलते तो फिर वहीं से निकल जाते हैं और रात को ही और फिर वहाँ बस ओवरनाइट रह के फिर सुबह वापस आ गए ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके हाँ। तो फिर घर पे यू नो ऐसा फोन तो करना पड़ता जी, है जी, 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 जी। कि भाई मैं रात को इसके घर पे रुक रहा हूँ सुबह है आप लोनावला में हम लोग सुबह हम लोग लोनावला जाएंगे हाँ। तो फिर आप दोपहर तक आ जाएंगे ऐसा तो ऐसी सारी बहुत ही यादगार वो सब रोड ट्रिप्स है जी। और तभी उनके पास उस जमाने में मेरे दोस्त वीरेन के पास टोयोटा हुआ करती थी हाँ। ये मैं बात कर रहा हूँ 80s में okay. तो सिर्फ फियाट और एम्बेसडर ही हुआ ये तो इम्पोर्टेड हो गई फिर हाँ। और उन्होंने बहुत बढ़िया उनको बहुत शौक है गाड़ी का अच्छा अच्छा तो उन्होंने मिनी टीवी बना रखा था अरे उस जमाने में हाँ। हाँ। और म्यूजिक सिस्टम भी बहुत पायोनियर की बहुत तभी तो पायोनियर तो भाई हाँ। चोरी हो जाता था पायोनियर अगर है आपकी गाड़ी में तो और उसमें हम लोग पिंक फ्लॉयड की द वॉल ओह बहुत सुनते थे वाओ यार वो बहुत ही फेवरेट एल्बम था हमारा हाँ आई थिंक पिंक फ्लॉयड का वन ऑफ द फाइनेस्ट बीजीज सैटरडे नाइट फीवर और वो सब ये हां मोंडेगर और कैफे न्यूयॉर्क में जुकबॉक्स में आप अभी भी जाके बजा सकते हो सब सही है यार अभी भी याद है 84 या 83 का जो ग्रैमीज था जी आई थिंक दैट वाज द बेस्ट ग्रैमीज एवर या बिकॉज़ उसमें माइकल जैक्सन के कुछ चार पांच गाने टफ कंपटीशन द टफ हां वो बिली जीन बीट इट थ्रिलर क्या वो सब थे फिर न्यू ग्रुप में आई थिंक यूरिथमिक्स था Everybody's looking for something. Yes. Some of them want to use you. Kya baat hai? Some of them want to abuse you. Wo tha. I know this song now. Yes. Fir David Bowie ka tha. Haan. Apna. Fir Billy Joel ka Uptown Girl tha. Oh wow. To. ये सब एक ही साल में थे. एक ही साल में थे. 80 वो बोल रहा हूँ आप 83 या 84 में. हाँ. बोलता आप देखना. आई थिंक यूट्यूब पे शायद होगा जी 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 सारे के सारे मतलब इतने अलग अलग जॉनर के द बेस्ट सॉन्ग्स वर देयर यू नो सच अ सिग्निफिकेंट ईयर दैट ईयर देन बिकम्स 83 और 84 सो कूल तो प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट को कंटिन्यू करते हुए ये आपके गाड़ियों का शौक क्या है और क्या सीन है ऑनलाइन क्या खबरें गलत छपी हुई है मुझे बताओ अरे लोग तो पता नहीं है यूट्यूब आजकल ये क्या है कि आईबॉल ग्रैब करने के लिए जी कोई कुछ भी उसमें लिख रहा है कोई कुछ भी अपने मन गणन कहानियां बना रहा है कह रहे है कि मेरे पास ऑडी Q7 है हाँ। मैंने बोला मुझे भी बताओ भाई कहाँ है यार मैं चला हूँ उसको किसी ने तो बताया कि स्विमिंग पूल वाला घर है बंगलो है हाँ, पूरा मेरे पास हाँ, हाँ। बोला बम्बई में यार स्विमिंग पूल वाला घर अगर मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या है सही बोले आप और लास्ट क्वेश्चन ये अगर आप लोग को आंसर याद रहा तो आपको वो पिलो जीतने का चांस है और कमेंट्स में बताना बट एक और चीज अगर आप वो मुंबई करो जो ऐसे लोनावला निकला क्योंकि मैं तो निकला हूँ थोड़ी बारिश आई तो निकल लिए लोनावला चाय पी के मैगी खा के आ गए तो ये बताओ कि आप इतना लंबा सफर जब कर रहे हो तो एक टिप जो आपको गाड़ी में बैठे बैठे लोगों को ध्यान रखना चाहिए नहीं आजकल तो देखिए सबसे जरूरी तो सीट बेल्ट है 100% और सिर्फ आगे नहीं पीछे भी पीछे अभी सीट बेल्ट बांधना क्योंकि अभी हाल ही में जैसे वो तो एक बड़ा हादसा हो ही गया जी, अपना इनके साइरस जी वाला या। लेकिन उसके बाद भी मेरे एक बहुत ही करीबी हमारे दोस्त है उनके साथ हाल ही में ऐसा एक हादसा बहुत ही
एक्सीडेंट हो गया, वो पीछे बैठे थे, ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सीट बेल्ट पहना हुआ था, एयरबैग खुल गया, लेकिन पीछे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधा था, उनको काफ़ी चोट आई। तो आई थिंक अभी ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और ये है कि टायर्स आपको चेक करना बहुत, बिकॉज कभी कि समर में क्या होता है कि जैसे अभी एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपके टायर्स जो है वो एब्सोल्युटली हीटअप हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं और बर्स्ट होते हैं। करेक्ट, बिकॉज हीट, क्योंकि आपको एक भगाने का शौक होता है, आप एकदम फ्री वे अगर आपको मिला है ओपन रास्ता और आप भगा, तो फ्रिक्शन की वजह से टायर फटने के बहुत, और एक बार टायर फटा तो बहुत ही उसका जो कंट्रोल में नहीं आती गाड़ी, कंट्रोल नहीं होती और बहुत डेंजरस वो हो जाता है 100%। तो वाइपर है, टायर है, ये बहुत ही बेसिक्स है सारे, बेसिक्स है सारे, उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। सही बात है। तो या भले आप रोड ट्रिप का कभी क्या है कि वो मजा फिर सजा में तब्दील हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। And don't drink and drive. I think these are just very basic things. ओ, वो तो basic है। हाँ। बस यही आप लोग याद रखें और फिर आंसर में हमें बताएं। तो लता जी का घर। हाँ, लता दाई। प्रभु कुंज। Yes। और आशा जी का भी यही ऊपर है। ऊपर ये हाँ। तो मुझे ये बताओ 89 में फिर मैंने प्यार किया आती है ना? हाँ, हाँ। वो सेट की कोई कहानियां हैं क्या आपकी? मैंने प्यार किया पहली फिल्म थी। हाँ। तो लक्ष्मीकांत बेर्डे जी थे, रीमा लागू जी, तो मेरा तो बहुत ही छोटा रोल था, तो मैं कभी मतलब साइड में ऐसे बैठा रहता था, लेकिन फिर सलमान जी को पता चला कि मैं थिएटर से हूँ, तो कभी कभार ऐसे बातचीत में बात होती थी, तो वो कभी कभार ऐसे मतलब पूछते थे कि ठीक हुआ शॉट, ये ठीक कुछ होगा तो ऐसे बताना या ऐसा कुछ। वाह यार, ये तो अच्छी बात है उनके लिए भी, क्योंकि वो उनका पहला प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट था, पर इतना डिसिप्लिन से पूरा शूटिंग का मतलब माहौल होता था। हाँ। कि बहुत बहुत ही मजा आया। फिर आपकी ये आई फिर भी दिल हिंदुस्तानी है ना? हाँ, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, उसके पहले मुझे 1-2 का 4 मिली, 1-2 का 4 करेक्ट। हाँ। तो वो लकीली मुझे मिल गई और शशिलाल नायर जी थे और शाहरुख खान जी के साथ पहला ही शेड्यूल था। तो जो प्रोड्यूसर थे नाजिर अहमद साहब, तो पहले दिन उन्होंने वाकई बोलते भाई आप डरना नहीं है, शाहरुख खान के साथ आपका सीन है, उन्होंने भाई मतलब मैं क्यों डरूंगा, मतलब वो भी आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो मतलब ठीक है। फिर अपने जो थिएटर की वजह अपने को एक होता है ना इम्प्रोवाइज करने का, एक आदत होती है कुछ सीन में, तो शाहरुख जी भी बहुत मतलब थिएटर से, वो भी उनको भी रिहर्सल करने की मजा आता है। हाँ, तो शॉर्ट से पहले हम लोग एक सीन का रिहर्सल कर रहे थे जी, तो उसमें मैंने कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया। हाँ। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, ऐसा एक स्माइल दिया, तो मुझे लगा पता नहीं अभी उनको अच्छा लगा नहीं लगा, तो बोले एक और बार रीडिंग कर दे, बोला हाँ ठीक है। फिर उसमें मैंने जो इम्प्रोवाइज किया था वो नहीं लिया। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो अच्छा था, वो तो लेना, बोले अच्छा था, बोला हाँ चलो ये ठीक है अपना, अभी ये तालमेल हो गया, तालमेल जम जाएगा। और इतने कोऑपरेटिव है शाहरुख, इतना मजा आया उनके साथ काम करने का, बहुत ही। तो ये बताओ फिर इसके बीच में भी कई सारी स्ट्रगल वाली फेजेस रहे हैं आपके, करीब 1 साल कोई काम नहीं वाला फेज, वो काफी बाद में आता है, क्यों? 2007 के आसपास। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली एक पहले भी आया जब मेरी एक एक्चुअली ट्रैवल एजेंसी हुआ करती थी। अच्छा। तो 5 साल में आई वॉज पार्टनर इन ट्रैवल एजेंसी। कहाँ था ये दुकान? ये टाउन में ही। अच्छा। खेतवाड़ी में। तो 85 to 90 लाइक 5 साल इट वॉज अ टिपिकल रूटीन लाइफ, 9 बजे ऑफिस गए। हाँ। रात को 9 बजे तक चलता था, जैसे ये लग्जरी बसेस जो जी, चलती जी, है जी, ना मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से भावनगर वगैरह, तो ऐसी सब बसेस के हम मेन एजेंट हुआ करते थे। अच्छा। तो उसमें 5 साल मैंने बिताए, फिर जाके मैं बोला यार ये नहीं हो रहा अपने मेरे बस की बात नहीं है। तो यार ये तो कभी पता ही नहीं, ये तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, मतलब ये मैं एज एन आर्टिस्ट मुझे पता नहीं क्या होगा मेरा। जी जी जी। लेकिन देखी जाएगी मतलब उसके पहले मैंने मेरी वाइफ से भी बात की, मुंबई में ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे पता नहीं है क्या होगा एज एन आर्टिस्ट, बहुत इनसिक्योर लाइन है, काम होगा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है ना, हम लोग को ऐसे वी आर, हमको कोई ऐसा करोड़पति बनना है नहीं, एंड वी आर मतलब ठीक ठाक है, दाल रोटी की कोई टेंशन है नहीं। हाँ। तो वहाँ से सपोर्ट मिल गया मुझे पहले, फिर मैंने हिम्मत करके पिताजी को बात, वो बहुत जरूरी होता है, तो पिताजी भी बहुत ही मतलब पहले से वो तो कोऑपरेटिव रहे, बोले ठीक है तुझे जो ठीक लगता है तू, तेरे मन का जो है वो तू कर, बहुत बढ़िया।
और फिर वो सडनली वो 90 से लेके 94 का जो पीरियड था चार साल, वो काफ़ी मतलब, क्योंकि 5 साल तक जैसे आपका एक रूटीन हो जाता है ना, आप सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप बिजी हैं, सडनली नेक्स्ट डे से आपको मतलब बाहर कहीं जाने का रीज़न ही नहीं है, कहीं जाने का मतलब कहाँ जाए अभी। तो ऐसा सब ये दौर चला, उसमें बीच में ये फिर हम आपके यहाँ कौन मिल गई, नियति भी तो ही, हाँ नियति का 92 में नियति का जन्म हुआ। हाँ। और तभी मुझे याद है मेरे बैंक बैलेंस कुछ 25,000 था मेरा पर्सनल, तो उसमें कुछ 12-13 हज़ार कुछ वो हॉस्पिटल का बिल चला गया था डिलीवरी का, और कुछ 12-13 हज़ार बचे थे, और बस प्ले चल रहा था एक आध, और उसमें कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, नहीं था। हाँ। कुछ 450-450 रुपये पर शो का मिलता था, तो ऐसा चल रहा था मामला, और उसमें फिल्म मिल गई हम आपके को, तो मुझे लगा कि बस अभी लाइफ सेट है, अभी और कुछ लेकिन वो पिक्चर आई, सुपर हिट हो गई, कोई काम मिला नहीं। ऐसा होता है, देखिए जनाब ये सत्य है हमारी इंडस्ट्री का। हाँ, हर पिक्चर के बाद स्ट्रगल वापस चालू होती है, ये यही सच है हमारा। 2007 में ऐसा हुआ कि मेरा एक प्ले चल रहा था जी, वो भी खत्म हुआ। ओके। और जो नेक्स्ट सीरियल कर रहा था वो भी सडनली बंद हो गई। तो उसके बाद से कुछ पता नहीं, पहली बार लाइफ में ऐसा पीरियड आया कि कोई फोन ही नहीं आ रहे थे काम के, और कोई मतलब काम ही नहीं था मेरे पास। और मैं ये कहूँ कि यार अभी 2 बच्चे भी है, फैमिली भी है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, स्कूल के फीस भी बढ़ रही है सब, कैसे करें क्या करें, तो बहुत ही मतलब बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था वो। हाँ। कि अब क्या करें इस उम्र में, अभी कहाँ मतलब इतने साल एज एन एक्टर एस्टैब्लिश भी हुए हैं, इतना जी, काम भी किया है, तो अब क्या करें, मतलब कौन सी नई लाइन में जाए, अब कुछ आता है तो एक्टिंग के अलावा कुछ आता नहीं है। तो ये सब दुविधा में से मैं गुजर रहा था, फिर इतने में भगवान भी देखो कैसी परीक्षा लेते हैं, पैसे को भी सख्त जरूरत थी, सब बहुत वो था। इतने में मुझे एक शो की ऑफर आई अपना जो कॉमेडी सर्कस, तो उसमें मुझे मिला, लेकिन थोड़ा सा उसमें ये था कि सब जोक वगैरह थोड़े से बिलो द बेल्ट टाइप के जोक थे, तो पैसे भी अच्छा दे रहे थे, लेकिन मैंने सोचा यार ये ऐसा काम आज तक कभी किया नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा मेरा रहा है कि भाई मैं ऐसा काम करूं जो हमारी फैमिली भी एक साथ में बैठ के देख सके, बच्चे Correct. भी देख सके, करेक्ट, दे कैन बी प्राउड ऑफ व्हाटएवर यू डू या व्हाटएवर आई डू। अब मना कर दिया? हाँ, मैंने मना कर दिया, बोल्ड स्टेप। तो उस मोमेंट वो मना करने के बाद, आप यकीन मानिए करीब 1-1.5 महीने के बाद मुझे ये तारक मेहता का ऑफर आया। वाह यार, और ये तो मतलब भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया है। हाँ। कि लाइफ टाइम का पूरा मतलब मामला सेट कर दिया। सेट है, सही बात है। मतलब ऐसा होता होगा कि लोग आप निकल के रास्ते पे बिना मूंछ के तो पहचानेंगे नहीं, बोलेंगे अरे क्या कर लिए, क्यों कर लिया ऐसा। ऐसा हुआ है कि कभी आपको बोले पब्लिक? हाँ नहीं, हाँ मतलब लोग बोलते हैं कि अरे आप मूंछ में ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे मैं बोला 24 घंटे में जेठालाल में थोड़ी घूम सकता हूँ। सही बात है, मेरी भी कुछ चीज निजी जिंदगी है जी। ऑफकोर्स देखो अभी हम चलते चलते बॉम्बे जर्नी पे पूरा साउथ बॉम्बे विल्सन कॉलेज तक आ गए, जहाँ से आप भी पढ़े मैं भी पढ़ा हूँ। अच्छा? हाँ, मैं मास मीडिया इधर किया, BMM। ओ अच्छा, FYJC SYJC यहाँ से किया। हाँ। और फिर मैंने, क्योंकि तब मैंने साइंस लिया था तो, और फिर इंटर कॉलेज ड्रामा इतने किए हमने, और 12th में जो ड्रामा किया था उसमें तो बहुत सारे मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और बहुत सारे अवार्ड मिले, उसमें पढ़ाई एक तरफ थोड़ी सी रह गई। तो लाइफ में पहली बार फेल हुआ मैं। हाँ। तो बहुत ही बुरा लगा। अब जूनियर कॉलेज में फेल हो गए थे? हाँ, SY 12th में। अरे रे रे रे। फिर मैंने स्ट्रीम चेंज किया, मैं कॉमर्स में आया। फिर आप NM चले गए? नहीं, यहाँ हिंदुजा थी। हाँ, हिंदुजा, हिंदुजा कॉलेज है राधा जी भी, तो 1 साल मैंने वहाँ किया। और वो उस दौरान मैं अपना ये कर रहा था खेलैया। तो उसमें जो हमारे डायरेक्टर थे महेंद्र जोशी जी, जी जी जी, तो वो भी अब नहीं रहे जी। तो उनका NM में बहुत ही वर्ड था, वो NM में से बहुत बढ़िया प्लेयर्स इंटर कॉलेजेट कराते थे, तो उनकी मदद से मुझे, क्योंकि NM में मतलब उस जमाने में NM इंटर कॉलेजेट में मतलब जबरदस्त जबरदस्त हमेशा से मिट्टी भाई और NM के नाम है दोनों।
करेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे ये ज्यूस सेंटर यहाँ पे बहुत सुख सागर। हाँ हाँ मेरे को वही पूछना ही था सुख सागर के पास से गुजरते हो, सुख सागर की बात नहीं किए तो कैसे किए? यहाँ पर वेजीज पैराडाइज है। हाँ, क्रीम सेंटर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये हो गया अपना सुख सागर हो गया। मैं तो रोमटे खड़े हूँ, बहुत पसंद है जगह। हम लोग इधर ओपेरा हाउस भी तो है आगे। ये एरिया का अलग ही फील है। मुझे याद है हमने अमर अकबर एंथनी देखी थी, बाप रे ओहो, कम से कम 2 या 3 बार देखी थी इधर ही। हाँ हाँ इधर ही, क्योंकि वहाँ तब तो उन दिनों तो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली एक ही थिएटर में चलती रहेगी, चलती रहती है, सब लोग 2-3 बार देख लेते थे ऐसी बड़ी फिल्में। मिनर्वा था, मिनर्वा में शोले जी, बहुत सारी मेमोरीज है। अप्सरा था, अप्सरा मिनर्वा, अप्सरा तो में वो हो गया, बहुत सारी पिक्चरें देखी है। फिर नोवेल्टी, शालीमार, ये सब थिएटर है ही नहीं ना, कुछ नहीं बचे, खाली रीगल है अपना और वो न्यू एक्सेलसियर है। हाँ, वो भी बहुत सारी, और स्टर्लिंग जो है। हाँ, तो स्टर्लिंग में सुबह 10:30 बजे एक पुरानी क्लासिक पिक्चरों के शो लगते थे, इंग्लिश इंग्लिश। हाँ करेक्ट। तो वो मैं जब विल्सन में था तो कभी दोस्त लोग को मैं, हम लोग पूछते थे कि कोई जाना है क्या, कोई नहीं आता तो मैं अकेला चला जाता था। वेरी नाइस, मुझे इतना शौक था। हाँ, हाँ। और सब पुरानी क्लासिक क्लासिक, मतलब जैसे वो वॉर की पिक्चरें थी जी जी जी, फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेवरॉन और वेरी गुड्स देयर और वो राइट, वो स्ट्रैंड था, स्ट्रैंड थिएटर था, स्ट्रैंड थिएटर भी था, स्ट्रैंड थिएटर वाज आल्सो नोन फॉर इंग्लिश फिल्म्स। इंग्लिश फिल्म और ओपेरा हाउस में तो खूबसूरत पूरा ओपेरा हाउस पूरा रिन्यू हो गया, एकदम मस्त दिखता है ना अभी, बहुत जबरदस्त बना दिया। और अभी ये हरकिशन हॉस्पिटल भी देखो, रिलायंस ने बहुत ही बढ़िया बड़ा बना दिया, बहुत मस्त बना दिया अभी। ये भी मेरे को पता चला है आप अपन नंटिला से होके आए भुलेश्वर में, आपके नेबर धीरूभाई थे। नेबर मतलब हम जहाँ रहते थे वहाँ पीछे एक बिल्डिंग था जी, जय हिंद एस्टेट करके। ओके, तो वहाँ धीरूभाई और कौन कौन थे आपके आसपास रहने वाले लोग? सी वॉर्ड मतलब बहुत ही हैपनिंग प्लेस था, जैसे आसिफ भाई, जो आसिफ भाई मोदी हमारे प्रोड्यूसर है जी, वो भी वहाँ भुलेश्वर में रहते थे। ये आप लोगों को तब से पता नहीं, है तब बार... पता नहीं था। हम तो जब कॉलेज में आए फिर इंटर कॉलेज में मिले जी, तब इवन उमेश शुक्ला जो हमारे ओ माय गॉड के डायरेक्टर, करेक्ट करेक्ट, वो भी वहाँ वहीं रहते थे। अच्छा, वो जब हम लोग कॉलेज में आए तब बात उचित हुई तब पता चला, क्योंकि बाद में वो लोग भी सब अब शिफ्ट हो गए। हाँ, हाँ। लेकिन जब हम लोग तब कॉलेज के टाइम पे जब बात हुई तब पता चला, अरे यार मैं भी वहाँ रहता था, अरे मैं भी वहाँ रहता। सो इंटरेस्टिंग, मतलब इतनी सी छोटी सी आपकी इंडस्ट्री वहीं बननी हुई थी एक अलग। So cool. तो ये यहाँ पर एरिया की और कहानियां बताओ ना, आपका स्कूल वगैरह का क्या सीन था इधर? स्कूल या स्कूल थी मेरी सेंट सेबास्टियन गोवन हाई स्कूल। ओ या, तो कॉन्वेंट स्कूल जी जी जी, और वो है अपना मरीन लाइंस जिसे कहते हैं जी, ठाकुर द्वार से उस तरफ जाते हैं। अरे वाह। और तो आप पढ़ाकू थे क्या? नहीं पढ़ाकू तो नहीं, बहुत डिसिप्लिन बच्चा था जी, ज़्यादा शैतानी नहीं करता था, बहुत ही मतलब सीधा साधा, पढ़ाई में बहुत इतना शार्प नहीं था। हाँ। बट ठीक है, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। सही है। तो मतलब फेल नहीं हुआ कभी स्कूल में। फेल रहा। मतलब 60-65-70% इतने मार्क्स आ जाते वो थे। तो तभी उस टाइम पे काफी अच्छे मार्क्स हुआ करते थे बोलते हैं। उस जमाने में बहुत बहुत ही अच्छे गिने जाते हैं। देखो हम लोग मुंबई पे वापस आते हैं, क्या है कि इतना बड़ा शहर है, स्टार्ट स्टॉप प्रोटेक्शन का हम लोग का टेंशन कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक ने लिया। टैंक रोड है ना आगे इधर ही, सीपी टैंक। हाँ, यहाँ की कोई खाने की जगह बताओ। हाँ, यहाँ पे आगे वो प्रकाश करके जो है, जहाँ पे साबूदाना वड़ा। अच्छा। और सब जो उपवास की सारी जो एक दादर में भी है उनकी ब्रांच। हाँ, हाँ। फलाहारी। हाँ, पीयूष और उनका बेस्ट तो लगता है मेरे को। बहुत पता नहीं अभी है, इतने सालों के बाद पता नहीं, हम बहुत छोटे थे तभी यहाँ आते थे। इस तरफ आगे लेफ्ट में शायद एक गणपति जी का, हाँ गणपति जी का मंदिर तो है। क्या बात है। यहाँ पे ये कैसा लग रहा है आपको ऐसे रिविजिटिंग? बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो रहा है। हाँ। एकदम बहुत बहुत। हाँ, प्रकाश दुग्ध मंदिर है भाई है। अरे अभी तक है। अरे तो बड़ी हो गई एकदम। हाँ, छोटा सा जगह, पहले इधर बैठने की जगह नहीं हुआ करती थी, एक छोटी सी जगह थी जी जी जी, आपको बस पार्सल लेके या तो आप वहीं खड़े खड़े खा सकते थे। हाँ। ये सिक्का नगर मॉडर्न हाई स्कूल दिख रहा है सब अपना। अरे तो ये तो वो जमाने की बात है जहाँ डीवीडी रेंट पे लेते होंगे आप यहाँ से। डीवीडी तो आई नहीं थी। हाँ, वो कैसे वीडियो कैसेट भी पहले तो मतलब
ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और उस जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को वो जमाना था कि उसके ऊपर एक स्क्रीन आती थी जिसमें अलग अलग कलर के पैचेस हुआ करते थे। अच्छा। तो वो लगा के देखते थे कि कलर टीवी देख रहे हैं हम लोग। ये सब तो, क्या है कि ये बता ही नहीं थे मुझे। अरे नहीं, अरे बोल दो अभी लोग को। मतलब हमारी जो जनरेशन है उसमें बहुत सारा आविष्कार हमने मतलब देखे अलग अलग टाइप के। जैसे टीवी आया पहली बार जी, घर पे फोन अगर होना लैंडलाइन तो बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि आप बुक आपने किया कितने सालों के, आप यकीन मानिए बजाज स्कूटर एक साल का वेटिंग। अरे एक साल नहीं, 7-8 साल। क्या बात कर रहे हो। हाँ अच्छा जी। जैसे मैंने जो एक स्कूटर लिया था जो एक पिताजी के दोस्त थे जी, तो उन्होंने बुक किया था ओहो आर्यन स्टोर, ये केमिस्ट शॉप है ओ वाह, यहाँ पे मैं दवाई लेने आता था छोटा था तब। अरे इस दुकान से, और ये आ गया सीपी टैंक हीरा भवन। हाँ सीधा अपने को सीधा जाना है, है कई सारी जगह अभी भी वैसी सी दिखती है। अरे मातृ समाज, ये यहाँ पे खाखरा वगैरह सब बहुत ही सब, मतलब ये महिला उद्योग गुरु है। हाँ जी हाँ जी, घर की महिलाएं सब चलाती हैं, घर में सब बना के, और बहुत ही बढ़िया सब यहाँ मिलता है। मैंने देख लिया आपकी प्रायोरिटीज, खाखरा वापरा अपना जलेबी बेस्ट सॉल्ट कहाँ पर क्या अच्छा मिलता है देख के रखा है आपने। और ये रामबाग, ये जहाँ मतलब ये सब क्या बोलते हैं वाड़ी, यहाँ शादी की वाड़ी होती है, लाडनी वाड़ी। हाँ ये, अरे अभी तक ये सब, वाह 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 वाह। ये जो सामने गली है उस गली में मैं रहता था। अच्छा जी। कुंभार टुकड़ा, तो पूरा बचपन वहाँ गया हुआ है। ये तो बहुत पतली गली है, इसमें नहीं घुस सकते। हाँ यहाँ लेफ्ट से भुलेश्वर शुरू होता है पूरा, लेकिन वो बहुत ही कंजेस्टेड हो गया। बस हम यहाँ से लेफ्ट लेके आपकी गली को देख लेंगे और फिर वापस घूम जाएंगे। यहाँ अभी भी हाथ गाड़िया चलती है बॉम्बे में। हाँ दूध वाले भैया जी यहाँ भी अभी भी सामने जो अभी टूट, और ये बिल्डिंग टूट गया, हम जो रहते थे वहाँ। अच्छा जी। बिल्कुल सामने वो वाली बिल्डिंग टूट गई है, ये गली में आगे जाके वो जय हिंद एस्टेट दिखेगा जहाँ धीरू भाई वगैरह रहते थे। अरे वाह, पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है बड़ी वेनियल हाउस, उसके पीछे। हाँ उसके पीछे वाला। हाँ पिंक कलर का बिल्डिंग। हाँ वो जय हिंद एस्टेट है। अच्छा जी। उसमें रहते थे। अरे वाह, आज भी देखो वही गिरदी, वही लोग, वैसे ही है अपना इधर, वैसे ही है सब। ये जो सारे त्योहारों का मजा है ना, वो यहाँ जो जब छोटे थे, या नवरात्रि है या गणपति है, या नवरात्रि गणपति में क्या होता था कि हमारी गली में वो पिक्चर दिखाते ना, वो पर्दा दोनों साइड दिखता था, एक साइड उल्टा थे और सब अपने अपने घर से चटाई वटाई कुर्सी वुर्ची लेके आते थे। करेक्ट बोले आप। और वो जो जो मीटिंग होती थी पहले, वो सोसाइटी मतलब जो भी वो गली की जो मैनेजिंग कमेटी है जी जी जी, वो लोग तय करते थे कि इस बार कौन सी पिक्चर रखी जाए, क्या क्या प्रोग्राम रखे जाए, उसमें हम सब बच्चे सब जाते थे वो देखने के लिए। और जब पता चलता था कि अरे इस बार ये पिक्चर आने वाली है, इस बार ये पिक्चर दिखाने वाला है, इतने खुश हो जाते थे सब। यहाँ भी आगे जाएंगे तो एक अपने वो गुजराती थाली बहुत फेमस है। क्या नाम? ठाकर क्लब। ठाकर क्लब, ये आप मानिए मतलब दी ओजी गुजराती थाली जो है। हाँ जी। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यहाँ, अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर जी आए थे फैमिली के साथ। अच्छा जी। यहाँ खाने। हाँ तो ये बताओ आप लोग कि फिर फर्स्ट गाड़ी कौन सी याद है क्या आपको? मेरी हाँ, अरे याद है ना, जो जो फर्स्ट गाड़ी थी जी फियाट, वो मुझसे भी एक साल बड़ी थी। कैसे मतलब, ऐसे क्या मतलब? मतलब मेरा जन्म 65 में हुआ है। हाँ। और वो 64 का मॉडल था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे पिताजी के एक बहुत अच्छे मैकेनिक दोस्त थे। हाँ। तो उन्होंने अपने लिए उसको पूरा मस्त बनाया था। अरे वाह। इंजन वेंजन अभी राइट में चलेगा। ये आ गया कालबा देवी। यस। और इस तरफ लेफ्ट में जवेरी बाजार और मुंबा देवी मंदिर भी बहुत, आज तो बहुत गिरदी होगी। हाँ। वहाँ पे, वरना आज हम दर्शन करने यस जा सकते थे, लेकिन जहाँ से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मुंबई का नाम आया, बिल्कुल वो मंदिर जी मुंबा देवी। यस मुंबा देवी मंदिर। और आज भी मुंबई के लोग उतना ही मतलब प्रेम और उल्लास के साथ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत गर्दी रहते उधर तो। ओहो ये विट्ठलवाड़ी। यस आज भी देखिए कितना आइकॉनिक ये सब, ये मंदिर तो है ना, वो पुराना स्ट्रक्चर है अभी भी ऐसा कैसा एकदम बढ़िया। कालबा देवी एरिया है पूरा। हाँ। ये आगे जाके वो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर आएगा। हाँ। ओ बाप रे, हसमुख रायन चाय की कंपनी, यहाँ मैं चाय लेना ये भी आज भी है। वाह वाह वाह, इंटरेस्टिंग।
तो कौन कौन सी खाने की जगह आपकी अब फेवरेट है या डिस्कवर करते हो आप? तो हालांकि बाहर मतलब इतना जाना नहीं होता है क्योंकि अभी ना अब सत्संग में आने के बाद मैं लाइक BAPS स्वामीनारायण संस्था जी का सत्संगी हूँ। हाँ जी। तो सत्संग में आने के बाद से मैंने प्याज लहसुन खाना अच्छा आपने त्याग दिया? हाँ छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ज्यादातर तो घर का ही खाना, शूटिंग में भी घर का ही आता है आपका? हाँ पहले जब हाँ वहाँ पे हम लोग ने पीछे वो सीपर टैंक से थोड़ा ठाकुर द्वार की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक विनय हेल्थ होम है, आज भी है। हाँ। उसका उसल पाव अच्छा और मिसल पाव, मतलब आप तो खाते हैं ना? हाँ, मैं खाता हूँ। आप जाइएगा वहाँ पे और मुझे याद करिएगा। डन। मतलब ऐसा उसल पाव आपने खाया नहीं होगा। अच्छा जी। हाँ मतलब बचपन में तो बहुत ही मतलब रेगुलर था, तभी मुझे याद है 8 आने का मिलता था उसल पाव और मिसल पाव, सिर्फ 8 आना। वाह यार। और जब ये दिवाली के बाद क्या जैसे वो हम बुजुर्ग के पैर पड़ने जाते तो सब वो देते हैं ना खुशी से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया ऐसा, तो शाम तक मतलब दोपहर तक तो कुछ 15-20 रुपये हो जाते हैं, तो यू फील लाइक अ मिलियनेयर क्योंकि 8 आने का वो सबसे घर पे क्या मिठाई विठाई खा खा के दिवाली में मुंह थोड़ा वो हो जाता है ना एकदम मीठा हो जाता है। फिर घर पे मैं मम्मी को बोलता था कि नहीं मैं आज तो घर पे नहीं खाऊंगा, और फिर वो 8 आना में उसके उधर उसल पाव खाने जाता था। अरे वाह यार। बहुत पहले मतलब एक बार हम लोग थाना में शो गडकरी में, तो वहाँ पे वो मामलेदार मिसल, यस, तो हमारे एक दोस्त ले गए थे, अरे बाप रे तरी देखते ही मैं तो डर गया था कि इतनी लाल, मतलब मुझे लगा कि यार लोग कैसे खा लेते कैसे हैं? खा लेते सच बोले, और उसमें भी ग्रेड है ना कि वो लाल में भी ग्रेड है कुछ, मतलब बाप रे मन। और वहां पे मैंने देखा लोग पसीना जा रहा है हाँ जी, लेकिन हाँ। फिर भी खा रहे हैं। यहाँ पे एक पुराना एडवर्ड थिएटर है, एडवर्ड थिएटर अरे आज भी है, एडवर्ड थिएटर एक ऐसा है जो है अभी भी, एडवर्ड थिएटर मतलब जो ओल्डेस्ट एब्सोल्युटली। यहाँ पे आजाद मैदान, आजाद मैदान बहुत क्रिकेट भी खेलने का शौक था मुझे बहुत। अच्छा। तो नेट प्रैक्टिस करने आते थे हाँ रोज सुबह। क्या करते थे आप? मैं बैट्समैन। अच्छा जी। हाँ वाह यार, ये तो अगेन वन मोर अननोन इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, ये मुझे कोई आईडिया नहीं था। हाँ। तो हमारे एक चाचा थे, उनकी टीम थी यंग नेशनल क्रिकेट क्लब। ओके। तो अभी अभी हाल ही में शायद उन्होंने भेज दी वो टीम। हाँ जी। तो उसमें वो टीम में रोज डेली नेट प्रैक्टिस करने आते थे सुबह। हाँ। यहाँ 68 नंबर की बस आती थी। ओके। हमारे घर से। हाँ। तो उसमें बैठ के यहाँ उतरते थे, फिर यहाँ से चल के सामने आजाद मैदान में, उसके उस तरफ क्रॉस मैदान है। क्रॉस मैदान, यस। वो बस एक रिग्रेट अभी ये है कि कोई स्पोर्ट अभी छूट गया है। हाँ। एक स्पोर्ट तो होना चाहिए लाइफ में। ये सीरियल का यू नो इतना ये टाइट शेड्यूल रहता है 12-12 घंटे। हाँ। कि और कुछ करने का कुछ मतलब स्कोप ही नहीं बचता। सही बोले। ये कितना कठिन रहता है क्योंकि आप आज शूट कर रहे हो कल लाइव जा रहा है, ऐसा भी होता है ना कभी कभी? हाँ बीच में जैसे अभी पिछले 3-4 दिन ऐसा थोड़ा सा कभी कभी बीच में ऐसा हाँ। हो जाता है जी कि जैसे आज शूट कर रहे कल टेलीकास्ट है। हाँ। तो बहुत कट टू कट मामला हो जाता है। सही बोले आप। तो बट अदरवाइज क्या है कि अभी एक तो ये मंडे टू सैटरडे हो गया है 6 एपिसोड, और एक एपिसोड को वैसे नॉर्मली 1.5 डे लगता है एवरेज आप देखने जाए। ठीक है। तो अगर पहले 5 एपिसोड आते थे तो महीने के 20 एपिसोड हुए। हाँ जी। तो 1.5 times if you multiply 20 it is 30 days, you are almost working the whole month almost। yeah by default आपको 30 दिन तो शूटिंग करनी ही पड़ेगी। करनी है। तो फिर आपकी रोमांस की क्या कहानी है? ये तो किसी रोमांस को हुआ ही नहीं, मैं क्योंकि मेरे तो सगाई ही अब बहुत जल्दी मतलब मेरी वाइफ 14 साल की थी और मैं 18 साल का था, तो हमारी अरेंज सगाई हो गई जी डन। तो बालिका वधू टाइप की कहानी सीन था आपका। और जब वो 18 साल की हुई मैं 22 साल का हुआ तो हमारी शादी हो गई। नक्की करो भाई। और मैं वैसे ही मतलब एक बॉय स्कूल में एक तो पढ़ा था। ठीक है। तो लड़कियों से बात करना ही मुझे बहुत डर लगता था, मतलब कैसे बात करते हैं। हाँ। मुझे आता ही नहीं था, तो मैं बहुत ही फिर तो ये तो ड्रामा वामा वगैरह में आने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। हाँ, उससे और लड़कियों से बात करने का जी। ये बस ने इतनी आवाज की तो डबल डेकर की बात कर ही लेते हैं। अरे वही मैं जो 68 नंबर की बस मैंने बोली वो हाँ, डबल डेकर आती थी। अच्छा, वो डबल डेकर थी। और उसमें वही ऊपर जाके सबसे आगे की सीट पे हाँ, बैठना उसका जो मजा है
जो जो व्यू मिलता है ऊपर से एकदम आगे वाली। हाँ एकदम आगे वाली, ऐसा लगता है गिर जाओगे आप। नहीं ऑलमोस्ट आप ही चला रहे हैं, आप ही चला रहे राइट साइड में बैठे तो आपको लगता है कि आप ही चला रहे हैं। यस करेक्ट बोले आप। फिर यहाँ पे आगे खादी भंडार आएगा, तो पहले कॉलेज में एक दौर था हाँ जी जब मैं सिर्फ खादी के कुर्ते और जीन्स वगैरह पहनता था, दाढ़ी वाड़ी मैंने उगा ली थी। तो अक्टूबर में वो गांधी जयंती के वक्त हाँ। ये गांधी जी जयंती के वक्त आता है वो सेल लगा, ये देखिए खादी खादी भंडार। तो वो एक महीना कुछ डिस्काउंट में मिलता था सारे, और हाँ। इतना बहुत सस्ता मिलता था, तो तब मैं पूरे साल के सारे कुर्ते वर्ते खरीद लेता था। ये है कम सब मिडिल क्लास इंडियंस हाँ। एक ना एक टाइम पे रपाए ही है ये। यहाँ पर किताब का नाम भी तो है नियति, काफी टाइम तक किताब का नाम काम करती थी। बहुत ही आइकॉनिक बुक शॉप किताब का नाम, यस, जहाँ पे मेरी बेटी नियति शी यूज्ड टू वर्क, यस। और ये भी अरे यहाँ भी पिज़्ज़ा बाय द वे, हाँ बच्चों को लेके बहुत आते थे हाँ। देखो एनसीपी आ गया, एनसीपी आ गया, जो मैं बात कर रहा था जी यहाँ पे, ये वाला इसमें हम लोग खेलिया के शोज करते थे। वाह यार, और बहुत ही बढ़िया वेन्यू ये है। चलो अपन पटाक से आते हैं उधर के एक बार में। चलिए और एक पान वाला, पान वाले थे नुस्खे वाले बाबा हाँ हाँ, मतलब उनके पास हर मर्ज की दवा है। आप उनको बोलो अरे चाचा जरा ये जुकाम हो गया हाँ। ये अरे बेटा देखो एक काम करो, तुम एक दालचीनी लो, एक ये लो, एक वो लो, उसको मिक्स करके खा जाओ, सब तुम्हारा आयुर्वेदिक समझ रखते होंगे। पूरा पूरा मतलब आप कोई भी उनसे आप पूछ सकते हैं। वाह यार, तो देखो भाई ये है वो पिल्लो जिसका आपको मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट में जाना है और बताना है सर ने क्या आंसर दिया, ऐसे आप रोड ट्रिप पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हो, ये कमेंट्स में बताओ। और ये पिल्लो पाने का क्या बात है सुंदर, ये आपने बनाया क्या ऑटोग्राफ वाला साइन एक अलग? हाँ एक अलग बनाया है। वेरी गुड, मुझे नहीं पता था, मेरा अभी भी ऑटोग्राफ वाला साइन ही मेरा साइन है, मुझे अलग बनाना पड़ेगा। नहीं बैंक वाला अलग रखना पड़ता है भाई।